हेलो दोस्तों, वन प्लस ने दो फ़ोन्स जो हैं वो यूरोप में आज लॉन्च कर दिए हैं और ये दोनों फ़ोन वन प्लस के बजट रेंज के फ़ोन के साथ आए हैं। हम वन प्लस की अगर हिस्ट्री की बात करें तो वन प्लस ने जब फ़ोन लॉन्च किए थे तो फ्लैगशिप किलर के नाम से फ़ोन लॉन्च किया, मीन्स कि हाई एंड के स्पेक्स कम प्राइस पे देना। बट वन प्लस सेवन के टाइम से ही अगर आपने देखा हो तो प्रो सीरीज़ आने लगी जो कि एक तरीके से फ्लैगशिप किलर नहीं, खुद फ्लैगशिप बन गए। मीन्स कि अब आपको 50-60,000 रुपीज़ में वन प्लस के फ़ोन देखने के लिए मिलते हैं जो कि पहले 30,000 रुपीज़ में फ्लैगशिप किलर दिया करते थे। और उसके बाद वन प्लस ने नॉर्ड रिलीज़ किया जो कि प्रीमियम मिड रेंज फ़ोन है। अब वन प्लस लेके आया है दो बजट फ़ोन्स। एक तरीके से कहा जाए तो वन प्लस N10 5G जो है वो इंडिया के हिसाब से मिड रेंज फ़ोन ही है, लेकिन N100 की स्पेसिफिकेशन वगैरह उसको बजट सीरीज़ में ही रखती हैं। ये फ़ोन कैसे हैं, क्या है इनकी स्पेसिफिकेशन, क्या है इसका प्राइस पॉइंट और लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये कंक्लूजन मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो वीडियो का एंड तक देखिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। दोनों ही फ़ोन N10 और N100, ये दोनों ही फ़ोन आपको वन प्लस नॉर्ड की थीम पे देखने के लिए मिलेंगे। मीन्स की जो डिज़ाइन है वो सब आपको नॉर्ड जैसा मिलेगा। होल पंच डिस्प्ले आ जाता है और डिसेंट स्पेसिफिकेशन के साथ आती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं N10 5G के बारे में। N10 5G में आपको 690 प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है स्नैपड्रैगन का, 6GB रैम देखने के लिए मिलेगा, 64GB का इंटरनल स्टोरेज देखने के लिए मिलेगा। N100 में अगर हम बात करें 460 स्नैपड्रैगन प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है, 4GB रैम और 64GB का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। अब बात करते हैं कि क्यों ये दोनों ही फ़ोन बजट सेगमेंट में आते हैं। प्राइस कट किया गया है, काफ़ी ऐसे कंपोनेंट हैं जिनका प्राइस काफ़ी कम होता है। जैसे कि N10 5G में आपको जहाँ पे 5G इनेबल फ़ोन देखने के लिए मिल रहा है, 690 प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है जो कि नॉर्ड से कम्पीट नहीं कर सकता, बट यह 720G के प्रोसेसर के आसपास ये वर्क कर लेता है। नॉर्ड में जहाँ पे आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिल रहे थे, वहाँ पे आपको N10 में फुल HD+ डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है, यस 90Hz डिस्प्ले के साथ देखने के लिए मिलता है। बैक एंड में आपको फिंगरप्रिंट देखने के लिए मिलता है और 6.49 इंचेस का डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाता है। आपका एडवांटेज ये हो जाता है कि आपको 3.5mm जैक दोनों ही फोन में देखने के लिए मिलता है, N10 में भी और N100 में भी। प्राइमरी कैमरा 64MP का है N10 में, यानी एक बहुत सुपीरियर कैमरा देकर के दिया है। अल्ट्रावाइड कैमरा देखने के लिए मिलता है, 8MP का वो आ जाता है। और N100 की बात करें तो वहाँ पे आपको 6.52 इंचेस का HD+ डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाता है। और मेरा ये मानना है कि 10,000 के ऊपर के बजट पे आप कोई भी फ़ोन अगर ले रहे हैं तो आपको फुल HD+ डिस्प्ले देखने के लिए मिलना चाहिए। N100 में आपको 4GB 64GB का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, 18W का क्विक चार्जिंग का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। N10 में आपको 4300mAh की बैटरी देखने के लिए मिलती है और आपको 30W का क्विक चार्जर देखने के लिए मिलता है, जबकि N100 में आपको 5000mAh की बैटरी मिलती है। ये तो होगी कॉन्फ़िगरेशन की बात। अब बात करते हैं प्राइस पॉइंट की। यूरोप में अराउंड 329 यूरोस का N10 5G लॉन्च हुआ और 170 यूरोस का N100 रिलीज़ हुआ। N10 5G जो 5G फ़ोन है, अगर हम उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो अराउंड 27,000-28,000 के बीच में N10 5G लॉन्च हुआ है। और N100 जो कि बजट सेगमेंट में आता है, जिसमें आपको 400 सीरीज़ का प्रोसेसर मिल रहा है, HD+ का डिस्प्ले देखने के लिए मिल रहा है, वो 170 यूरोस का आया है जो कि अराउंड 16,000 के आसपास है। जहां पर इंडिया में आज के टाइम पे मिड रेंज फ़ोन जो हैं वो 15,000-25,000 में आपको बहुत हाई एंड स्पेसिफिकेशन दे देते हैं। इनफैक्ट सिंपल वर्ड में अगर मैं बताऊं तो आप N10 5G 27,000 में लेने जा रहे हैं, उसकी जगह पे जाकर के आप OnePlus Nord ले सकते हैं। बहुत अच्छे प्रोसेसर के साथ मिल जाता है, प्रीमियम डिस्प्ले के साथ मिलता है, प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी के साथ मिलेगा आपको, वो भी 25,000 में। मींस कि OnePlus दूसरी कंपनी से नहीं, अपने ही कंपनी के एक फ़ोन से एक डिग्रेड वाला ऑप्शन महंगे प्राइस पे दे रहा है। और अगर N100 की बात करूँ तो 16-17,000 में तो ये बिल्कुल मत लीजिए। मैं तो ये समझ के चलता हूँ कि जो आपको स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिल रहे हैं ना, आपको लगभग दो फ़ोन देखने के लिए मिल जाएगा। आई मीन टू से मेरे पास पोको M2 पड़ा है, ये 9,000 में मैंने लिया है। मैं दो फ़ोन अगर ये लेता था तो मुझे 18,000 का मिलता और 17,000 में मैं N100 लेकर के आता हूँ, जिसमें 4GB और 64GB का ऑप्शन है। पोको M2 में 6GB का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, 460 स्नैपड्रैगन प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है। आपको पोको M2 में G80 MediaTek का प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है जो कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दे देता है। फुल HD का डिस्प्ले आपको पोको M2 में देखने के लिए मिल जाता है, जबकि आपको HD+ जो है वो N100 में देखने के लिए मिल जाता है। यस, अगर मैं बात करूं OS की तो N10 या OnePlus के सारे OS जो है वो बहुत ही सुपर क्वालिटी के हैं। मैं अभी भी OnePlus के ही फ़ोन यूज़ कर रहा हूं और Oxygen OS बहुत ही प्यारा है, ऑलमोस्ट टॉक्स्ड एंड्रॉयड जैसा ही फील कराता है।
लेकिन आप इसको इस तरीके से समझ के चलिए कि आने वाले टाइम में अगर 17,000 में आपको N100 देखने के लिए मिलता है ऑलमोस्ट प्योर एंड्रॉयड यानी ऑक्सीजन OS के साथ में, और माइक्रोमैक्स इन जो फ़ोन है वो सेम स्पेसिफिकेशन लेकर के आएगा ना, तो शायद 12-13,000 रुपये में आपको देखने के लिए मिल जाएगी, और वो भी प्योर एंड्रॉयड की गारंटी दे रहे हैं। तो आपको यहाँ पर माइक्रोमैक्स का फ़ोन जो है वो वन प्लस से ज़्यादा बेटर मिल सकता है। यस, एक मेजर फ़र्क ये होता है कि इंडिया में फिर भी वन प्लस के जो फ़ोन हैं वो असेंबल होते हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं, मेक इन इंडिया कंपनी में आते हैं, जबकि यूरोपियन कंट्री में ऐसा नहीं होता। यूरोपियन कंट्रीज़ को फ़ोन इंपोर्ट कराना पड़ता है, इट मींस कि हाई इंपोर्ट ड्यूटी, टैक्सेस और साथ में डिलीवरी वगैरह के जो चार्जेस हैं उनकी वजह से फ़ोन प्राइसी हो सकते हैं, और हमने पास्ट में भी देखा है कि यूरोपियन कंट्रीज़ में फ़ोन महंगे मिलते हैं। फिर भी मैं ये मान के चलता हूँ कि N10 आपको शायद 25,000 के ही आसपास देखने के लिए मिले। अगर मुझे इसका प्राइस सेट करना होता तो मैं N100 को 10,000 के अंदर रखता और कहता कि ये अच्छा फ़ोन है, अच्छी डील है, और मैं N10 को 20,000 के अंदर अगर रख पाऊँगा तब मैं कहूँगा कि अच्छी डील है। जिस प्राइस पॉइंट पे यूरोप पे लॉन्च हुए हैं, अगर उससे 1,000-2,000 रुपये भी सस्ते हुए ना, तो मैं आपको बिल्कुल ये रिकमेंड नहीं करूँगा। मेरी तरफ से तब रिकमेंडेशन ये रहेगा कि N10 की जगह पे आप OnePlus Nord ले लीजिए, सस्ता फ़ोन पड़ेगा और प्रीमियम फ़ोन मिलेगा। और N100 की जगह पे तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, Realme के हैं, Redmi के हैं, Poco सीरीज़ के हैं, Samsung के भी इनफैक्ट आपको फ़ोन ज़्यादा बेटर देखने के मिल जाएंगे, और Micromax के जो फ़ोन है वो आ जाएंगे। तो जब तक OnePlus N10 और N100 रिलीज़ होगा ना, हो सकता है आपको N100 की जगह पर Micromax इनका जो फ़ोन है वो अच्छी डील मिल जाए। तब तक हम वेट करते हैं, लेकिन इस प्राइस पॉइंट पे मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं कर सकता। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो मेरा एक लाइक बनता है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपके पैसे बचाने में इस तरीके से हेल्प करते रहूं, आपके लिए हमेशा इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोज़ लेकर के आता रहूं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।